हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आइए बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी कल एक्सपायरी के दिन कहाँ कामकाज कर सकते हैं और आज वेडनेसडे के दिन हमने क्या डिस्कस किया था। तो गाइस 19,820 के ऊपर हम एक बाय की पोजीशन में बैठेंगे। वहां पे फिर हमारा एसएल हमने रखा था 18,780। तो मार्केट ने इसके ऊपर निकला, वहां पे ट्रैप किया और शानदार आपको नीचे की साइड धकेल दिया, ठीक है। और फिर नीचे के लेवल पे फिर एक बढ़िया सपोर्ट बना के सेल की पोजीशन में हमारी ओनली 19,650 के नीचे ही हमारी सेलिंग थी। या फिर अगर किसी ने यहाँ पे रिजेक्ट हुआ, एसएल हिट हुआ, तो वहां पे अगर कोई सेल किया हो तो वो जो एसएल था वो भले ही यहाँ पे रिकवर कर लिया होगा, बाकी और बढ़िया कुछ आज ट्रेड नहीं मिला। यहाँ से कोई हमारे प्लानिंग नहीं थी कि इसी के आसपास, हाँ यहाँ तक हम पॉजिटिव है, पॉजिटिव हम अभी तक निफ्टी में, बैंक निफ्टी में अभी पॉजिटिव है। बैंक निफ्टी के अंदर क्या डिस्कस करके गए थे कि 45,700 के ऊपर अगर कोई 15 मिनट के अंदर क्लोज होगी तो फिर हमारी बाइंग की साइड की पोजीशन होगी, फिर हमारे ऊपर में टारगेट 45,950 तक रहेंगे। मार्केट ने, बैंक निफ्टी ने 45,700 को टच भी नहीं किया होगा शायद, ये यहाँ पे लास्ट में जाके कोई टच किया है 710, उसके ऊपर क्लोजिंग तो दूर की बात है। हाँ, लेकिन अगर यहाँ से रिजेक्शन पे किसी ने ट्रेड किया हो तो डेफिनेटली आपको बढ़िया एक ट्रेड मिली होगी। और नीचे के साइड में मैंने क्लियरली कहा था कि हम पॉजिटिव हैं, 45,100 तक पॉजिटिव है, तो मार्केट बाय ऑन डिप्स भी है। तो अगर कोई ऊपर सेलिंग नहीं करना चाहता तो इस लेवल तक एटलीस्ट यहाँ पे बाय की पोजीशन में बैठा जा सकता था। तो गाइज ये तो चलो ठीक है कि भाई था। अब बाकी अगर स्कैल्पिंग के हिसाब से अगर आप ट्रेड देखते हो निफ्टी की, शानदार जो मेरे 9 9 और 5 EMA की स्कैल्पिंग का है, यहाँ पे ये क्रॉसओवर हुआ, यहाँ से आपको बढ़िया प्रॉफिट मिल गया, ठीक है। और ये एक क्रॉसओवर, तीन ट्रेड आपको बढ़िया शानदार ट्रेड मिली, एक ये क्रॉसओवर हुआ और एक ये वाला क्रॉसओवर हुआ, तीन ट्रेड आपको 1 2 और 3 आराम से, यानी कि आपको ट्रेड यहाँ पे निफ्टी ने दिए। बैंक निफ्टी के अंदर कोई ट्रेड नहीं किया आज। हाँ ठीक है, कोई लेके बैठा है तो बैठा रहे हो, बाकी वो उस तरह की कोई ट्रेड थी नहीं। तो अब कल है एक्सपायरी और मैं क्लियरली आज मैं खुद यही चाह रहा था कि मार्केट एक छोटी सी रेंज में रहे ताकि अपन को कल एक बड़ा ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन आपको दिखाई दे सकता है। तो वो चीज हम कल आइडेंटिफाई करेंगे और कल वो ही चीज के ऊपर ट्रेड करेंगे और बढ़िया पैसा भी बनाएंगे, ठीक है। तो ओवरऑल अगर देखो तो ये ठीक है, एक ऊपर की साइड जा रहा है, ऊपर निकल रहा है बैंक निफ्टी, और वनडे के चार्ट पे अगर बैंक निफ्टी को देखते हो तो एक पोज लिया है बड़ी रेड कैंडल के बाद में, एक अप मूवमेंट, और हो सकता है यहाँ से एक अगेन रिजेक्शन खाए या फिर एक अप मूवमेंट दे, तो जो भी सिचुएशन रहेगी वो अपन इसमें डिस्कस कर लेते हैं। तो ये देखो, ये वाली एक ट्रेंड लाइन अपन ने ऊपर से ऊपर के लेवल पे खींच रखी है, ये यहाँ पे रिजेक्शन है, ये वाला जोन, मतलब अगर आप जोन की बात करो तो 820 से लेकर 19,870 तक का एक जोन है, जो यानी कि आपको ट्रैप कर सकता है और वो कंटिन्यूअसली आपको ऊपर के लेवल पे ट्रैप करेगा। ये जब अगर निकल जाएगा या फिर इसके ऊपर अगर क्लोजिंग होगी तो फिर समझ लेना आपको 20,000 20,500 तक निफ्टी आपको आराम से दे सकता है। तो अब ये वाली जो ट्रैप वाले जो ये अपने ये लेवल्स हैं, तो इसी के ऊपर कोई बाय की पोजीशन देखेंगे। इस तरह से आप 5 मिनट के चार्ट में इसमें एक ट्रेंड लाइन बना लेना, इस तरह की एक ट्रेंड लाइन अपन गाइस खींच लेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि या तो एक आपको बड़ा मूव ऊपर की साइड दिखेगा या फिर एक बड़ा मूव नीचे की साइड, या फिर हो सकता है कि कल आपकी एक्सपायरी भी इसी एक रेंज एक बॉक्स के अंदर हो सके। क्योंकि अभी क्या है कि ट्रेंडिंग मार्केट नहीं है, आपको स्कैल्प से ही पैसा बनाना है, मतलब ऊपर के लेवल पे पुट की पोजीशन लेनी है और नीचे के लेवल पे बाय। लेकिन अब ये आइडेंटिफाई कहाँ होगा कि ये यहाँ पे बाय करना है कि यहाँ पे सेल करना है। तो इस ट्रेड लाइन के बेस पर यहाँ पे अगर कोई रिजेक्शन मिलता है या रिवर्स खाता है तो हमें ऊपर के लेवल पे सेलिंग की देखनी है, और अगर कहाँ तक नीचे इस ट्रेंड लाइन तक ज्यादा से ज्यादा, मतलब ये 100 पॉइंट की आपको एक रेंज है, 100 पॉइंट में अगर एक्सपायरी निकालना चाहता है तो हो सकता है मार्केट आपको 100 पॉइंट के अंदर निकाल दे। और तो बाय की पोजीशन डेफिनेटली हम इसी के ऊपर की साइड बनाएंगे, क्या लेवल आ रहे हैं वो एक बार हम थोड़ा सा इसको स्मॉल करके देख लेते हैं ताकि हमारे को लेवल दिख जाए। अभी भी नहीं दिख रहे,
45 मिनट के चार्ट पे अगर हम देखते हैं तो 19,880, 19,865, तो बाय की पोजीशन डेफिनेटली 19,865 के अबाउ ही कोई बाय की पोजीशन देखेंगे। और बाय ऑन डिप्स, हाँ ये वाला अगर लेवल हमें नीचे की साइड में ये टच करता हुआ कोई भी एक ट्रेंड लाइन में मिलेगा तो डेफिनेटली हम यहाँ पे कहीं पे करीबन 19,758 के आसपास, 19,750 के आसपास अगर मार्केट मिलेगा तो हम बाय की तरफ बैठेंगे। और 19,865 के आसपास जो हमारा फर्स्ट टारगेट था वहां पे हम एक सेलिंग की तरफ पोजीशन देख सकते हैं। अगर इसको ऊपर के लेवल पे ब्रेक करता है तो फिर हम कंटिन्यू बाय देखेंगे, सेल का प्लान नहीं करेंगे। 15 मिनट कैंडल अगर 19,865 के ऊपर अगर क्लोज होगी तो फिर हम बाय की पोजीशन में बैठेंगे, लेकिन वही है ऊपर के लेवल में कब ट्रैप हो जाएंगे वो पता नहीं चलेगा। तो ट्रेल करते चले या फिर वेट करें, मार्केट को रिजेक्शन खाता है तो फिर यहाँ पे सेलिंग कर लें टॉप का हाई का ऐसा लगा के नीचे की साइड के लिए, 100 पॉइंट के लिए यहाँ पे नीचे की साइड के लिए प्लान कर लेंगे। यहाँ पे हमारा ट्रेड हम पूरा का पूरा बुक कर लेंगे आगे, यानी कि कंटिन्यूअसली उसको लेके नहीं बैठेंगे, क्योंकि कल की एक्सपायरी अगर आपने किसी ने देखी हो तो कल की एक्सपायरी में यही था कि आपको मार्केट एक रेंज में जा रहा था, कभी यहाँ से इधर जा रहा था, ये जा रहा था, ये जा रहा था, ये जा रहा था। तो ये ओनली आप कोई अगर स्कैल्पर है या फिर आप छोटे मोटे यानी कि ये मूव पकड़ना जानते हो तो ही यानी कि आपके लिए ये वाली ट्रेड बेस्ट रहती है, अदरवाइज वो प्रीमियम डी के पूरा का पूरा आपका पैसा खराब कर देता है। तो लेवल मैंने आपको एक छोटी सी रेंज बता दी है इसकी, उसी के ऊपर नीचे जो भी रहेगा हम उसी के बाद में ट्रेड करेंगे। और बाय की पोजीशन हमारी हाल फिलहाल 45,700 के आसपास ही होगी, 45,700 बैंक निफ्टी के अंदर, 45,700 के ऊपर ही हम कोई बाय का पोजीशन में बैठेंगे। और यहाँ से अगर रिजेक्ट होता है तो देखो अब की बार जो बैंक निफ्टी की एक छोटी सी रेंज की वजह से क्या है कि प्रीमियम नहीं बढ़े, रेंज छोटी सी होने की वजह से न तो पुट साइड के प्रीमियम बढ़े होंगे न सी साइड के। तो अभी अगर कल भी अगर ये एक्सपायरी वाले दिन ऐसे ही रह जाता है तो डेफिनेटली आपका प्रीमियम डी के बहुत ज्यादा होगा। तो 45,700 के ऊपर ही कोई बाय की पोजीशन, 45,950, 46,000, 150 तक के लिए हम बाय की पोजीशन में बैठ सकते हैं। और अगर मार्केट गैप डाउन मिलता है 45,300, 45,100 तो भी हम बाय की पोजीशन में ही बैठेंगे निफ्टी में, कहां तक, फिर 45,700 तक। तो कल एक मड़ी मूव आपको इस रेंज के बाहर ही मिलेगी, अगर ये रेंज के बाहर नहीं निकलता मतलब 45,400 और 45,700, तो इस रेंज के बाहर निकलेगा तो हम 200-250 पॉइंट के टारगेट के लिए ऊपर या नीचे किधर भी निकलेगा तो बाय या सेल हम करेंगे। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा, हीरो जीरो के लिए टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं, कल मैं डेफिनेटली हीरो जीरो दूंगा, तो उसके अंदर अगर आप इंटरेस्टेड हो तो डेफिनेटली जुड़ सकते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा लाइक जरूर करें।